नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के टीआरएस कॉलेज में। टीआरएस कॉलेज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, 15,000 से ज्यादा छात्रों वाला यह कॉलेज, अतीत का इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, एक बड़ी बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में रीवा के राजा रघुराज सिंह ने 1869 में यहाँ पर पहला पब्लिक स्कूल जारी किया था। उसके बाद 1982 में इसी स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया और इसका नाम दरबार हाई स्कूल रखा गया। दरबार हाई स्कूल सन 1884 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। 1935 में दरबार हाई स्कूल को दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज का रूप प्रदान किया गया। महाराजा गुलाब सिंह ने 13 अक्टूबर 1938 को महाविद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। नवीन भवन सन 1943 में बनकर तैयार हुआ। सन 1948 में स्नातकोत्तर कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। 15 अगस्त 1957 को इस महाविद्यालय का नाम ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रखा गया। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय नाम रखा गया, जी हाँ, नाम रख दिया गया ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय। उसके बाद इस स्कूल, इस कॉलेज का गौरव धीरे धीरे बढ़ता रहा। इस कॉलेज में काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने इस कॉलेज से शिक्षा पाई, जैसे कि कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी, हाई कोर्ट जस्टिस गुरुप्रसन्न सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एक लंबी फहरिस्त है नाम, और ख़ास तौर से जितने भी रीवा के विधायक सांसद हैं, ज़्यादातर इसी कॉलेज के छात्र हैं। इस कॉलेज में आज 160 छात्रों को यहाँ, अतिथि विद्वानों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोरोना काल चल रहा, इस कोरोना काल में अतिथि विद्वानों को इस कॉलेज से बाहर निकाला गया। रोजी रोटी का उनके परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है इसमें से कुछ अतिथि विद्वानों, लगभग 25 लोगों को, सूत्र जो हमको बता रहे हैं, 25 लोगों को वापस बुला लिया गया। हालांकि इस बारे में अभी मैं पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं आपको यहाँ पर इस कॉलेज में जो भी अतिथि विद्वान छात्र के नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कॉलेज का पक्ष। हम लोग यहाँ पर शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बिना किसी लिखित सूचना के निकाल दिया गया मौखिक रूप से। फिर हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा कि क्या कहते हैं, आप लोगों को 21 तारीख से, मतलब आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं जो कि ऑनलाइन चल रही थी। हम लोगों ने इस बारे में जब बात की तो ये बोला गया कि क्या अभी हम लोगों की 90 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं, तो इनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसको दूसरे ढंग से वे पे लिया, अपनी मतलब अपने ईगो में ले लिया, सीधा सीधा कहे। अभी आप लोग वहाँ पे खड़े थे, बात करने का टोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा था उनका, टोटल हिटलर शाही है। हम लोगों ने जब ये निवेदन किया, इधर उधर नेताजी लोगों के पास गए, उन्होंने से भी हम लोगों ने निवेदन किया और उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि इन लोगों से बात हुई कि नहीं हुई ये हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बात की। हम लोगों का सिर्फ ये निवेदन था कि हम लोगों को यहाँ ज्वाइन कराया जाए। इस कोरोना काल में आखिर हम आप लोगों से ही पूछते हैं कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, किसके दरवाजे जाएँ। हम लोग माननीय, हम लोगों को सिर्फ, मैं सबके, आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को 13,000 रुपये मिलती है जो कि पिछले 8 सालों से मिल रही है। आप बताइए 13,000 रुपये में हम लोगों को अपना घर परिवार, हम लोग कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर हैं बच्चे भी हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 13,000 रुपये मिलती है सर। हम लोग 157 लोग हैं टोटल जनभागीदारी और स्वीकृति अतिथि विद्वान, जिसमें से इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के हिसाब से 26 लोगों को कल ज्वाइन करा लिया। हम चाहते हैं कि जैसे सबको, हम ये नहीं चाहते कि उनको निकाला जाए, उनको भी रखा जाए, हमको भी रखा जाए। नहीं, ये स्वीकृति और जनभागीदारी मत से कार्यरत शिक्षक हैं और इनका जो भुगतान होता है वो जो छात्रों की फीस से पैसा जमा होता है उससे होता है। शासन के ऑर्डर्स आए थे कि ग्रीष्मावकाश घोषणा के, तो ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बाद अभी चूँकि कोई ऐसा काम महाविद्यालय में नहीं था जो इनसे कराया जा सके और लॉकडाउन पीरियड था, तो उसमें हम उनको यहाँ बुला भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से हर साल इस तरह के होता था कि इनको ब्रेक दिया जाता था और ब्रेक पीरियड के बाद जब कॉलेज को जितनी आवश्यकता होती उस हिसाब से इनको बुलाया जाता था और धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग होती थी।
तो वही हम लोगों ने इस बार भी किया है। और इनको जब ब्रेक दिया और ब्रेक के बाद अब जैसे जैसे परीक्षाओं का हम घोषित करेंगे कार्यक्रम और जिनकी जिनकी आवश्यकता हमको होती जाएगी हम इनको ज्वाइन कराते जाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।